हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके सामने वन लाइनर। तो हमारी पहली वन लाइनर है, भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को घोषित किया आवश्यक वस्तु। कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते दुनिया भर में संकट से जूझ रहे देशों के साथ साथ भारत ने अगले 100 दिनों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में कर दिया है घोषित। दोनों तरह के मास्क, चाहे वो 2 प्लाई के हों या 3 प्लाई के हों, सर्जिकल मास्क हो या N95 मास्क जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लाया गया है। सरकार ने यह अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन किया है और 30 जून 2020 तक इन वस्तुओं का प्रयोग करना आवश्यक माना गया है, और इस नियम के रूप में यह वस्तु काफ़ी आवश्यक वस्तु मानी जा रही है। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रारंभ की गई। यह कोलकाता के 2 शहरों में प्रारंभ की गई है, जो कि पहला है लेक सिटी के आईटी पोस्ट ऑफिस और दूसरा न्यू टाउन के एक्शन एरिया में पोस्ट ऑफिस में शुरू की गई है। इसके तहत कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार डाक घर से अपना पार्सल एकत्र कर सकेंगे। भारतीय डाक घर का हेड ऑफिस है नई दिल्ली और इसके संचार मंत्री है रविशंकर प्रसाद और भारतीय डाक संचार मंत्रालय की एक सहायक कंपनी है। नेक्स्ट, बिल गेट्स ने दिया माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से इस्तीफा। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं, उन्होंने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण वैश्विक स्वास्थ्य विकास और शिक्षा, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या, फिलंथ्रोपिक प्राथमिकता देने के लिए वह अधिक से अधिक अपना समय उसको देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वॉरेन बफेट के वर्कशेयर हैथवे इंक के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है। यह एक बोर्ड है जहां वह 2004 से ही सेवा में थे। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO इसमें है सत्या नडेला, और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन USA में है। सरकार ने राज्य में कौशल विकास के लिए शुरू कर दी है 3 योजनाएं। ये तीनों योजनाएं लखनऊ में प्रारंभ की गई हैं, और ये तीनों योजनाओं का नाम है कौशल सतरंग, युवा हब और शिक्षिता। यूपी सरकार ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को सूचना देने के लिए और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र गुजरात ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। सौराष्ट्र ने बंगाल के खिलाफ पहली पारी में 44 रन की बढ़त हासिल करने के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है, जो लास्ट में राजकोट गुजरात में फाइनल में ड्रा हो गया, और जयदेव उनादकट ने सौराष्ट्र टीम का नेतृत्व किया और सौराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में ही 425 रन बनाए, और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बंगाल की टीम 5वें, जो कि लास्ट डे होता है, उस दिन जीत हासिल करने में 44 रन से ही चूक गई, जिसके चलते सौराष्ट्र ने अपनी पहली रणजी। नेक्स्ट है, भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो गया शामिल। वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन WGSHA इसका शॉर्ट फॉर्म है, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने WGSHA मणिपाल कर्नाटक में भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय स्थापित किया है, और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। संग्रहालय अप्रैल 2018 में खोला गया था, जो लगभग 25,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, और संग्रहालय की संरचना एक विशाल पोटका के रूप में शामिल है।